देखो जो कुछ मैं कल अपने फेसबुक के उत्ते क्या वा मैं उस सारी गल के उत्ते अज भी कायम है। और दुख इस गल का वा कि चंगे भले मीडिया हाउसेज उस वीडियो नू एडिट करके सिर्फ उन्ना क पोर्शन दिखाते कि उन्हों की TRP रेटिंग्स वध जान ताकि उन्हों का ग्राफ उपर जाए उन्होंने सच सच तो झूठ के नतारे की परवाह घट हैगी है। कल मैं की कहा कि जिहड़ा पुलवामा दे विच जो कतलोगारत हुई है 44.5 CRPF के जवान मारे गए वो बहुत घिनौनी हरकत है। उसकी सख्त तो सख्त शब्दों के मैं निखेधी करदा और मैं महसूस करदा वा कि अज दे इस तरह के अगाह वधू युग में वायलेंस कतलोगारत मारताड़ खून खराबे की कोई जगह नहीं। और यह सुनया सब तो पहला उन्होंने वास्ते जाता वा जिन्हों लोगों ने एक घिनौनी हरकत की है चाहे वह ISI है चाहे वह जैश ए मुहम्मद है चाहे वह पाकिस्तान की कोई एजेंसी है उसकी सख्त आलोचना की। परंतु इस तो बाद मैं कहना चाहता सी कि अगर वो वायलेंस करके तो साडे देश का माहौल करते हैं तो कि जिस भारत के कोल प्रॉपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिद को सारा कुछ कोर्ट्स कचहरियाँ पुलिस कि असी भी उस ही जुबान में रिटॉर्ट करना वा। और दूसरा मैं पूछना चाहता कि कश्मीर जड़ा वा वो की कल्ली कश्मीर का एरिया भारत का वा या जे कश्मीर के रहने वाले बछिंदे वो भी साढ़े बछिंदे ने भारतीय ने। अगर वो भारतीय ने तो उन्होंने कुछ लेजिटमेट डिमांड्स या काफ़ी अरसे तो कि उन्होंने डिमांड्स की पूर्ति वास्ते उन्होंने जदोजहद करना उन्होंने अपने एजिटेट करना कोई अधिकार नहीं गा। और जदों वो एजिटेट करते हैं उदों कई बार साड़िया सिक्योरिटी फोर्स मैं ब्लैंकेट नहीं किसी कहा कि सारिया ही फोर्स माड़िया ने तो साड़िया सिक्योरिटी फोर्स को उत्थे ज्यादतियां हुई ने। आ मेरे को BBC की स्टोरी है एक मिनट जी ये कुन्नन पिंड है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पोशपुरा तो कुन्नन पिंड BBC कह रहा इंटरनेशनल मीडिया मैं नहीं कह रहा और गूगल तुसी रिसर्च करोगे पढ़िया पिया वा कि उत्थे औरतों के नाल मास रेप होया। उन्होंने नाम डिस्कलोज नहीं किए स्टोरी में सारे सब कुछ डिटेल्स हैगियां और ये मामला 1991 का है समझ लो तकरीबन तकरीबन 28 साल पुराना मामला है। और आज ये केस जिहड़ा मास रेप्स का बलात्कार का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पेंडिंग है यदा मतलब कि उत्थे ज्यादतियां हुई ताइयों ये गल आई ना। और इस तो अलावा जिहड़े होर गल्लां भी हुई ने बहुत सारे मैं जिदा पहला क्या इंटरनेट भरिया पिया वा और ये सारिया गल्लां देश दियां सर्वोच्च अदालतों में पेंडिंग ने बहुत सारे लोगों के कोर्ट मार्शल होकर सज़ा भी मिली यदा मतलब कितने ना कि अट्रोसिटीज तो एक्सैसिज हुई। हुण सवाल यह है कि साड़िया सिक्योरिटी फोर्सिज इस देश के संविधान तो उपर है उन्होंने कानून तो उपर है उन्होंने वास्ते कोई लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं गी। सिर्फ इन्ना ही कॉशन किया और मैं समझदा कि अज का जोड़ा युग है वो पीस ते डायलॉग अगर नॉर्थ कोरिया ते अमेरिका जिहड़ियां दोनों न्यूक्लियर पावर्स ने अगर वो अपनी गल शांति दे नाल डिस्कस कर सकते हैं तो भारत ते पाकिस्तान भी डिस्कस कर सकते हैं दोनों देश न्यूक्लियर पावर्स ने। और जे कि कल नूं लड़ाई लगती सब तो ज़्यादा खमियाजा पंजाब के लोगों को इत्थे भुगतना पवेगा। इसलिए असीं तां सिर्फ कॉशन कर रहे हैं कि एवरीथिंग शुड बी डन थ्रू डायलॉग थ्रू पीस नथिंग मोर दैन दैट। हुण इस नूं कई गल्लां लोग जो मर्जी कंस्ट्रू करी जाण पर मैं जो कल कहा सीगा वो सारिया गल्लां जो मैं है वो दलील नाल दित्तियां सी। दलील सुन तो बगैर बहुत सारे आगू ने जिन्हां ने मेरी दलील भी नहीं सुनी पर उहदे ते अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिता। और कुछ कट्टरपंथी लोग ने जिहड़े खून का बदला खून मैं उस गल का हामी नहीं गा बिल्कुल भी मैं खून के बदले खून का हामी नहीं गा। मैं पीस ते शांति ते वार्ता जिदा वाजपाई साहब ने एक बार बस चलाई सी ते अपने हालात सुधारन की कोशिश की सी अज पंजाब का जिहड़ा सारा सब तो वड्डा बॉर्डर के उत्ते बंद सब कुछ बंद होने नाल पंजाब नूं खमियाजा भुगतना पैंदा साडे किसान खेत मजदूर मर रहे ने आत्महत्या हो रही क्योंकि साडा समान पाकिस्तान तो बियॉन्ड नहीं जा रहा। साडा करतारपुर साहब के लांघे की गल चल रही है वो डिसरप्ट की जा रही है लोगों शरारतियों वालों कि किसी तरीके इनू टॉरपीडो किया जाए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े कोठियां ते चढ़ के पाकिस्तान नूं गाली गलोच करते हैं उन्होंने घर में पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट रूसा आलम सरकारी रिहायशगाह ते रहिंदी है उहदे बारे अरूसा बारे श्रोमणी अकाली दल चुप क्यों आ भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों आ अरूसा वो दसन के एक पास कहते जी ISI से पाकिस्तान बर्बाद कर रहा वा एक पास पाकिस्तान की डिफेंस एनालिस्ट पंजाब के मुख्यमंत्री के रहायशगाह से रहती है ये नो ज़्यादा डेंजरस गल की हो सकती है। इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने भंडन तो पहला अपने घरों उस अलविदा कहना चाहिए और BJP वीजा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए फिर इन्हों का पता लगेगा कि हाँ वाकई देश भगत ने। इसलिए जो कुछ गल्लां कीतियां गईयां सारियां त्रोड़ मरोड़ के
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਬਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟੂਗਾ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੋਗਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਲਿਸਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਾਲ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ? ਖੈਰ ਸਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਕੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਹੈਵ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਸੱਚ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੀ ਦੇਮ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਐਟ ਆਲ। ਖੈਰ ਰੂਸਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਲਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਜ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ISI ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਔਰ FCRA ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਐਗਜੈਕਟ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। FCRA ਇੱਕ ਐਕਟ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹ ਗੱਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲੁਕੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕੌਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅਵਸ਼ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੈਰ ਉਸ ਪਰ ਖੈਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ। ਬਟ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਿੰਗ ਹੋ ਸਰ? ਆਫਕੋਰਸ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਸ, ਵਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਓਪਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ।
रिफ्यूजल लिखा मेरे किसी काम कर रहे घर किसी ने लिख के दिता के असि स्वीकार नहीं करते नोटिस की हरपाल चीमा नोटिस की कॉपी तुम दिखा सकता वा या पंजाब सरकार या स्पीकर साहब का ऑफिस कोई नोटिस की कॉपी दिखा सकता जिथे जिस नोटिस से मैं रिफ्यूजल लिखा है हाले तक मैं कोई नोटिस नहीं मिले जो तो मिलेगा मैं अपने वकीलों के राय मशवरा करके ढुकमा जवाब दे दूंगा सारे नाल चल रही जी बहुजन समाज पार्टी और बैंस ब्रदर्स डॉक्टर गांधी टकसाली अकाली दल सारे नाल टॉक्स तीन तीन चार चार राउंड हो चुके ने और मेरा ख्याल दो ग्राउंड टॉक्स से हले होर बकाया ने वी आर होपफुल पत्रकार ने दोबारा दोबारा इंसिस्ट किया कि खैरे ने आह किया वा खैरे ने फौज के खिलाफ बोलिया वा वह कहता जे जो कुछ तुसी कह रहे हो अगर खैरे ने फौज के खिलाफ बोलिया तो फिर मैं उस गल की निंदा करता यह उस रिपोर्टर के दोबारा दोबारा प्रेस करने रिपोर्टर ने जिदा किसी गल मूँह च पाना होंगे वो गल के कहा आई डोंट एक्सैप्ट ऑल दीज थिंग्स ये मेरे वास्ते छोटिया जी गल मैं इदा दिया छोटे मोटे जड़े जड़े के रिपोर्टर की जिदा कह सकते हैं कि वो अपनी यतन सी कि मैं कोई लफ्ज़ कढ़वा लवा बयान दे बहस के मूहों संगरूर दी इस फेरी तो बाद मैं दो घरां दे विच किसानां दी आत्महत्या हुई जिहड़ियां चीमा पिंड विच और संधू कलां मैं जा रहा उन्होंने परिवारों के नाल अफसोस करूंगा कांजले विखे गोबिंद सिंह कांजले दे भोग ते जा रहा उस तों बाद बेरोजगारी तो सवाए नशिया तो सवाए भ्रिष्टाचार तो सवाए पंजाब दे विच जो कुछ अराजकता फैली आ तुसी इन्ने सेशन आप देखते रहे हो हर बरे बजट में कर्जा ही ऐड होंगे और कर्जे के करके साड़ी एजुकेशन ते हेल्थ केयर सफर करती है सो देयरफॉर देयर इज नथिंग न्यू एट ऑल जिहड़ा बजट पेश करन जाणगे मेरा अपना अंदाजा वा कि इस बार 3 लाख करोड़ तो उत्ते दा पंजाब दे सिर कर्जा चढ़न जा रहा जिस कर्जे के करके पंजाब दे विच कोई मीनिंगफुल डिवेलपमेंट नहीं हो सकती कंवर संधू साहब ने सिर्फ ये कहा सीगा कि जिहड़ा जीरो आवर विच एक रेजोल्यूशन उठाउणा ये प्रोपराइटी नहीं की इस तो ज्यादा उन्होंने रेजोल्यूशन का विरोध नहीं किया असि सारे रेजोल्यूशन के हमेती हाँ कि एस जी पी सी चोणा पंजाब दे विच जल्द तो जल्द होनिया चाहिए बादलों के परिवार का जिहड़ा इस वक्त कब्जा हुआ एस जी पी सी उसनू छुडाउण वास्ते सारे चंगे लोगों अगे आ के अपनी धार्मिक संस्था इन्हों की चुंगल तो बादलों तो बचा चाहिए बिजली अंदोलन किया गया आप पार्टी ने तो रिजल्ट भी आने शुरू हो गए जिन्होंने 60,000 बिल से अब भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है चलो 6,000 इन्हों बिजली तो पिछले 5 साल की महंगी से उदों सुते पे ये सारा चोन स्टंट ने नथिंग एट ऑल इशू तो है और इशू तो देखो गल है कि जेडे तत् पेश करते हैं कि दिल्ली में 1 रुपये बिजली यूनिट हैगी दैट इज ऑलसो रोंग रोनियस दिल्ली में स्लैब्स के अनुसार 3.5-4.75 रुपए तक की स्लैब हैगी और नाले रोज़ रोज़ दिल्ली दिल्ली का उदाहरण देते दैट इज नॉट कल तेलंगाना का कोई उदाहरण देने की असं तेलंगाना के पिछे चल जाना पर उरे जो 50,000 बिल आ रहे हैं लख रुपये बिल आ रहे दिहाड़ीदार सब्जी बेचने सारिया गल् मैं पंजाब की विधानसभा उठा चुका वा कि जेडे प्राइवेट परचेज एग्रीमेंट्स किए हुए प्राइवेट कंपनियां पावर परचेज एग्रीमेंट्स PPA कांग्रेस के चोन मैनीफेस्टो में सके कि असं इन्हों रिव्यू करा क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों को पैसे दिते हैं तो अपना बठिंडे का जो सरकारी थर्मल प्लांट है उन्होंने बंद कर दिता वा ताकि निजी कंपनियों को फायदा हो चुके ये गल्ला अज कर रहे हैं मैं तो पंजाब की विधानसभा अज तो 1.5 साल पहला ये गल्ला असं सारिया चुक चुके हैं और साडा यह मनना वा कि कांग्रेस के जोड़े मिनिस्टर्स ने उदो राणा गुरजीत सिंह जिसने आके कहता कि असं कोई पावर परचेज एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करा क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो अपना कमीशन जो बनता से उन्होंने ले लिया होना वा सो ये पंजाब एक रवायत बन चुकी है कि अपने ही सूबे दोनों हाथों लुटते हैं
इस करके लोगों सारिया जीज़ा ने महंगी मिलती हैं।